दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल न्यूज जानकारी में। आप सबके लिए बड़ी खबर, गुड न्यूज। अब सिर्फ 4 दिन में बन जाएगा आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। हुआ ये बड़ा बदलाव, 2020 शुरू होते ही कई नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। अब ऐसे बनेगा 4 दिन में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, घर बैठे भी कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से नई जानकारी देती रहती हूँ। तो चलिए, हम आपको बताएंगे ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट 4 दिन में कैसे बनेगा। नया मोटर व्हीकल एक्ट 2020 लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। मोटर यान संशोधन अधिनियम पास होते ही RTO कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। इसके चलते लर्निंग के साथ परमानेंट लाइसेंस बनवाने वालों को लंबी वेटिंग मिल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय कुमार तिवारी ने बताया कि सिर्फ 4 दिन में परमानेंट लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया कि 100 परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से नए आवेदकों को सबसे अधिक सहूलियत मिलेगी। ऐसे आवेदकों के परमानेंट DL बनवाने की प्रक्रिया अब सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकेगी, यानी ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें 4 दिन का टाइम स्लॉट हासिल होगा। RTO कार्यालय में 3 अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे ताकि इन काउंटर्स पर आवेदकों के बायोमेट्रिक टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की अन्य प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो सकेगी। अब रोजाना बनेंगे 400 लर्निंग और 350 परमानेंट लाइसेंस। नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद RTO कार्यालय में आवेदकों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिसके चलते लोगों को 60 दिन का टाइम स्लॉट बायोमेट्रिक टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख एवं समय मिल रहा था। आवेदकों की भारी भीड़ के चलते 60 दिन की वेटिंग को देखते हुए परिवहन विभाग 150 लर्निंग और 100 परमानेंट DL अतिरिक्त बनवाएगा, जिससे हर दिन 400 लर्निंग और 350 परमानेंट लाइसेंस बन सकेंगे। आवेदकों को बढ़े हुए टाइम स्लॉट का फायदा मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी बातें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए केंद्र सरकार की सारथी वेबसाइट और राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज, एज प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी दस्तावेज, एड्रेस प्रूफ के लिए LIC पॉलिसी, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी पे स्लिप, पेंशन पासबुक, आर्म्स लाइसेंस या फिर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया आईडी कार्ड। और दोस्तों, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है और वो अभी तक नहीं आया, तो मैंने वीडियो बना दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे देखें अपने मोबाइल से। वह वीडियो देखकर आप ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन नंबर द्वारा। एप्लीकेशन नंबर आपको जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है उस समय आपको एक रसीद दी जाती है, उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उससे आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह बनेगा सिर्फ 4 दिन में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कमेंट जरूर करना है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों में, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से नई जानकारी देती रहती हूँ। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।